सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस वाले किसी के घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। वे घर के भीतर से एक शख्स को बाहर निकालकर उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं। पीटने के दौरान वह शख्स जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे लातों से मार रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दैनिक जागरण अखबार के मुताबिक सोमवार यानी 21 दिसंबर को एटा शहर के कटरा मोहल्ला निवासी वकील राजेंद्र शर्मा और लोकमनदास तिराहा निवासी रामू भटेले के बीच विवाद हो गया। ये विवाद 2014 से एक मकान पर कब्जे को लेकर चल रहा था। इस मामले में पथराव और फायरिंग भी हुई। इसमें मोहल्ला सुंदरलाल स्ट्रीट निवासी अरबाज गोली लगने से घायल हुआ था। विवादित मकान में रहने वाली रेखा शर्मा ने वकील राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार समेत 7 लोगों के खिलाफ मारपीट कर घर से निकाल देने समेत 3 FIR दर्ज कराई। दिन में अधिवक्ता समेत सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। मामला कोर्ट में लंबित है। ये वीडियो वकील राजेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के वक्त का बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस वायरल वीडियो में वकील को बेरहमी से पीटती और जमीन पर घसीटती नजर आ रही है। इस मामले में वकील राजेंद्र शर्मा पर मामला तय है और कोर्ट में लंबित है, लेकिन पुलिस के बर्ताव को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की तरफ से भी मामले में अपना पक्ष ट्वीट करके रखा गया है। पुलिस की तरफ से SSP एटा ने कहा कि मकान को लेकर कोर्ट में एक सिविल केस चल रहा है। न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। ऐसे में मकान में रहने वाली रेखा शर्मा के घर से बाहर होने पर राजेंद्र शर्मा ने इस मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स को गोली लगी है। पुलिस ने स्थिति पर काबू करने के लिए कार्रवाई की है। मामले में अभी भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही स्थानीय वकीलों में काफी गुस्सा है। एटा पुलिस के इस तरह के अभद्र व्यवहार के विरोध में मैनपुरी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उन्होंने DM के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। मांग की गई कि एटा की घटना की जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी पुलिसकर्मी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाई जाए। वकीलों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग भी की गई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि मामले पुलिस और वकीलों के आमने सामने आने से और लंबा खिंच सकता है। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथ अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।